एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल मेकअप एंड ब्यूटी गाली। मैं हूं आपकी दोस्त अनीता और आज की वीडियो में मैं आपके साथ शेयर करने वाली हूं एक अमेज़न हॉल। तो ये वाले जो प्रोडक्ट है वो मैंने थोड़े दिन पहले ही बाय किए हैं, तो इसलिए मैं ये हॉल आपके साथ शेयर करना चाहती थी। बहुत ही अफोर्डेबल से प्रोडक्ट है और हर एक प्रोडक्ट का लिंक मैं आपको डिस्क्रिप्शन में दे दूँगी, वहाँ पे जाके आप चेक कर सकते हैं। अगर आपको कोई चीज़ पसंद आए तो आप वहाँ से बाय भी कर सकते हैं। तो अभी हम स्टार्ट करते हैं वीडियो। मेरे पास यहाँ पे कुछ प्रोडक्ट्स हैं, यू कैन सी। और सो ये जो सारे प्रोडक्ट हैं वो उसमें हेयर केयर भी है, स्किन केयर भी है, मेकअप का कुछ सामान भी है और कुछ ऐसा ही रैंडम सा स्टफ़ है। सबसे पहले जो मैंने वहाँ से बाय किया है वो है ये वाला ब्लू हेवन का वॉक फ्री आईब्रो डिफाइनर। तो इसका जो प्राइस है वो है 80 रुपीज़ और मुझे शायद डिस्काउंट पे मिला है, शायद 72 रुपीज़ का या फिर 80 रुपीज़ का ही मिला है। सो ब्लू हेवन का जो था ये वाला आईब्रो डिफाइनर जो है वो बहुत ही कम प्राइस पे अवेलेबल था, तो मैंने सोचा कि क्यों ना इसे बाय कर लिया जाए। तो पहला जो प्रोडक्ट है वो मैंने ये बाय किया है और हमें इसका जो प्राइस है वो 80 रुपीज़ है और हमें मिल जाता है 0.45 ग्राम का प्रोडक्ट। तो यस, ये वाला ख़रीदा है, बहुत अफोर्डेबल था। नेक्स्ट जो मैंने ख़रीदा है वो है ये ब्रशेस। तो मेरे पास कोई भी जो था ब्लेंडिंग ब्रश नहीं थे, तो मुझे ये वाले ब्रश चाहिए थे, तो मैंने सोचा कि क्यों ना इन्हें ट्राई किया जाए। तो यहाँ पे जो है मैंने जो ब्रश का सेट लिया है वो है काइली आई शेडो ब्लेंडिंग पेंसिल ब्रश सेट ऑफ 4 का सेट है ये। मैं बहुत एक्साइटेड थी तो मैंने इसे ओपन कर लिया है और इसका जो प्राइस है वो 599 रुपीज़ है पर मुझे ये मिला है 178 रुपीज़ का। आई डोंट नो कि ये जो उनका काइली का ओरिजिनल वाले ब्रशेस है या नहीं। आई थिंक ये ओरिजिनल वाले तो नहीं होंगे क्योंकि इतने कम प्राइस पे अवेलेबल है, बट मुझे ये अच्छे लगे और रिव्यूज़ इनके अच्छे थे तो मैंने सोचा कि क्यों ना इसे ट्राई किया जाए। तो ये काफ़ी ज़्यादा जो सॉफ्ट वाले जो ब्रशेस होते हैं वो है, अभी मैं आपको दिखा देती हूँ। ये 4 का सेट है एज यू कैन सी और ये बहुत ही सॉफ्ट है, बहुत ज़्यादा सॉफ्ट है, क्वालिटी में कोई भी कंप्रोमाइज़ नहीं है और इसलिए मैंने ये वाले ब्रशेस जो है वो सेट किए हैं। मेरे जो सेट लिया है वो ब्लैक और सिल्वर का है। नेक्स्ट जो मैंने बाय किया है वो है न्यूट्रीजिना का ड्राई टच सन ब्लॉक। तो इसके रिव्यूज़ जो थे वो बहुत अच्छे थे तो मैंने सोचा कि क्यों ना इसे ट्राई किया जाए। और इसमें जो है SPF 50 है तो गर्मियों के लिए परफेक्ट जो सनस्क्रीन है, तो मैंने इससे बाय किया है। नेक्स्ट जो है वो मैंने बाय किए हैं ये हेयर केयर प्रोडक्ट, और हेयर केयर प्रोडक्ट में मैंने बाय किए हैं शिकाकाई पाउडर ख़रीदा है, रीठा पाउडर ख़रीदा है और आंवला का जो पाउडर है वो ख़रीदा है। एक्चुअल में ये मैं ये वाले जो पाउडर थे हेयर पाउडर है जो मैं बचपन में यूज़ किया करती थी, तो मेरी दादी जो थी वो हमेशा हमें बोलती थी कि हेल्दी बालों के लिए ये वाले जो 3 प्रोडक्ट है आपको लगाने चाहिए। थोड़ा टाइम मैंने यूज़ भी किया और बाल बहुत अच्छे थे तब। तो थोड़े दिन पहले मैं ऐसे स्क्रॉल डाउन कर रही थी अमेज़ॉन पे, तो मैंने देखा कि ये वाले प्रोडक्ट जो है वो मेरे सामने आ गया, तो मैंने सोचा कि क्यों ना इसे ट्राई किया जाए और मैंने ये वाले लिए हैं। एक्चुअली यहाँ पे मैंने 2 बार इसे ऑलरेडी यूज़ कर लिया है और दोनों बार जब भी मैंने इसे यूज़ किया मेरे बाल बहुत ज़्यादा सिल्की सॉफ्ट हो गए हैं। तो डिटेल्ड रिव्यू जो है वो मैं इसे आपको प्रॉपर यूज़ करने के बाद ही शेयर करूँगी, जब मैं 8-10 बार इसे यूज़ कर लूँगी तभी मैं शेयर करूँगी। और ये जो मैंने प्रोडक्ट लिया है वो हर्ब लैंड का है और वैसे इनका जो प्राइस है वो 199 है, पर मुझे ये कलेक्टिव में ये शायद 1 समथिंग का कुछ पड़ा है, 100 समथिंग का कुछ पड़ा है। सो मुझे ये काफ़ी अफोर्डेबल प्राइस पे मिला था, तो यस ये मैंने ख़रीदा है। तो नेक्स्ट जो प्रोडक्ट मैंने ख़रीदा है वो ये है जो मेबलिन का एस रिवाइंड कंसीलर, और जो मैंने शेड लिया था वो मैंने मीडियम सेलेक्ट किया था, पर पता नहीं क्यों
उन्होंने मुझे ये आइवरी जो शेड है वो सेंड कर दिया है, जो कि बिल्कुल भी स्किन के साथ मैचिंग नहीं है। और उससे भी बुरी बात ये है कि ये रिटर्नेबल प्रोडक्ट नहीं था, मतलब नॉन रिटर्नेबल था। मैंने इसे जब देखा तो रिटर्न करने का सोचा, तो मैंने वहाँ पे देखा कि ये प्रोडक्ट हम रिटर्न नहीं कर सकते हैं। सोचिए वाला जो अमेज़ॉन ने ब्लंडर किया है मेरे साथ, इतना महंगा मैंने इसका जो एक्चुअल प्राइस है एक्चुअली 620 है, पर मुझे जो 400 समथिंग का पड़ा था, पर मेरे 400 जो रुपीज़ है वो सारे के सारे बेकार गए हैं, क्योंकि ये इससे मैं यूज़ ही नहीं कर सकती हूँ। आपको मैं दिखा देती हूँ कि कितना लाइट है ये मेरी स्किन टोन से, देखो ऑलमोस्ट ये वाइट कलर का है और मैं इसे यूज़ नहीं कर सकती हूँ। ओके, तो नेक्स्ट जो मैंने ख़रीदा है वो है एक पैंटी सेट। जो पैंटी सेट है वो जो रूपा ब्रांड है उसकी ओर से है, और ये एक 3 पीसेस जो पैंटी सेट है वो है। इसका जो एक्चुअल प्राइस है वो 255 है, और मैंने इसे लिया है, जो मुझे डील में मिला है वो है 198। कुछ इस तरह की पैकेजिंग में आता है, ये भी बीच में था, प्रॉपरली पैक्ड किए हुए थे, पर मैंने इसे जो है खोल के देख लिया है, इसलिए इसका जो ये हाल बन गया है। इसमें जो है वो 3 जो कलर है वो लिए हैं, और मुझे जो इनके कलर और प्रिंट जो थे वो काफ़ी अच्छे लगे, तो मैंने सोचा कि क्यों ना इसे ट्राई किया जाए। और रूपा ब्रांड के इसमें जो नीचे रिव्यूज़ जो थे वो बहुत अच्छे थे, तो मैंने सोचा कि क्यों ना ट्राई कर लिया जाए। इसका जो मटेरियल है वो एकदम सॉफ्ट वाला जो कॉटन होता है बिल्कुल वैसा है, बिल्कुल भी वो थिक वाला जो कपड़ा होता है बिल्कुल भी वैसा नहीं है। गर्मियों के लिए जो परफेक्ट जो है मटीरियल है, बिल्कुल भी बॉदर नहीं करेगा स्किन को, और बहुत ही ब्रीदेबल सा सॉफ्ट जो मटेरियल होता है बिल्कुल वैसा है। कलर जो है आप कलर सिलेक्शन जो है आप अपने हिसाब से कर सकते हैं, और इसमें डिफरेंट कलर आते हैं, आपको जो कलर अच्छा लगे वो ले सकते हैं, पर मुझे ये वाले कलर जो थे वो अच्छे लगे तो मैंने इसलिए दे लिए। प्रिंट काफ़ी अच्छा है, कलर भी काफ़ी अच्छे हैं, कपड़ा जो है वो काफ़ी अच्छा है, और इसके रिव्यूज़ भी काफ़ी अच्छे थे, और प्राइस वाइज तो बहुत ही ज़्यादा अफोर्डेबल है। लिंक जो है आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा, अगर आपको ये वाला पैंटी सेट जो है चाहिए तो है। गाइज, आपने अगर इनमें से कोई भी प्रोडक्ट लेना हो तो मैं आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में इसके लिंक जो है वो दे दूंगी, आप वहां पे जाके इसे जो है चेक कर सकते हैं, रिव्यूज़ देख सकते हैं, और उसके बाद इसके बाय कर सकते हैं। अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगी हो तो प्लीज़ लेट मी नो इन द कमेंट सेक्शन, और इस वीडियो को लाइक और शेयर करना ना भूले। टिल नेक्स्ट वीडियो, लव यू, बाय, टेक केयर।